फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिवा होम्स में। दोस्तों, खुशखबरी। आज आप बोलोगे भाई आपको क्या खुशखबरी देने वाला है। आज आपका भाई 2 BHK का सबसे सस्ता, अब तक का सबसे सस्ता, दिल्ली NCR छोड़ो कहीं भी आपको इतना सस्ता 2 BHK नहीं मिलने वाला। कितना नहीं मिलने वाला आप दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। अंडर 20 लाख 2 BHK लगभग 55 गज में अच्छी कनेक्टिविटी के साथ, अच्छी वेंटिलेशन के साथ कहीं नहीं मिलता। कम बजट यानी कि बैकवर्ड होगा, कहीं पीछे की साइड होगा, बिल्कुल नहीं। अच्छी लोकेशन पे है। अब आपने करना क्या है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इस तरह का बजट शायद ही आपको कहीं और मिलने वाला है जो कि आपका भाई आपके लिए लेके आया। समझते हैं ओवरव्यू में। लगभग 55 गज का कवर्ड एरिया मिलने वाला है। फ्रंट गली जो भले ही हमें मिलने वाली है 10 फीट की, लेकिन कनेक्टिविटी जो वेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल इसका नियरेस्ट है। आप मान के चलिए 800 से 900 मीटर की दूरी यहां से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और मेन रोड जो है वो भी अकॉर्डिंगली इसी तरीके से है। साथ में इसकी जो बेस्ट USP है वो क्या है, आप यहां से आधा किलोमीटर पीछे चलते हो तो द्वारका के पास आ गए। द्वारका यानी कि अगर आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज, पार्क, मॉल, और आप चाहो तो यहां से जितने भी जो चीजें, चाहे आप द्वारका जाना हो, चाहे आपको गुड़गांव जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, सब आपके नजदीक पड़ने वाला है। तो बहुत ही शानदार होने वाला है। 2 व्हीलर की पार्किंग के साथ मिलने वाला है और अब तक का सबसे सस्ता अंडर 20 लाख। बार बार बोल रहा हूं, इतनी खुशी हो रही है मुझे। ओवरव्यू में बता चुका हूं, लेकिन अभी तक भी मुझे पता आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, है ना। उसके बाद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसके बेल आइकन को प्रेस करना, साथ में ऑल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। करते हैं अपने सफर को यहां से शुरुआत। तो लीजिए दोस्तों, एंटर कर चुका हूं मैं। जैसी पार्किंग एरिया से आया, यहां पे मुझे 2 व्हीलर की पार्किंग मिलने वाली है। नीचे स्टेयरकेस है जो कनेक्ट करती है हमारे इंडिपेंडेंट 2 BHK को। कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल एक फ्लोर पे आपका खुद का फ्लैट होने वाला है, कोई भी शोर शराबा नहीं है। अब जैसे ही मैं अंदर घुसता हूं, अभी आप देखोगे ना तो वॉलपेपर लगा है, ना ही यहां पे कुछ लगा है, सामान उतना पुतला पड़ा है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं वेट करता ना तो इतना सस्ता, जो मैंने कहा ना अंडर 20 लाख आपको 2 BHK जो आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे वो मिल ही नहीं पाता। लिविंग एरिया हमारा यहाँ पे, हमने अपना जो भी सोफा वगैरह लगाना है एंड टाइप का वो लग जाता है, सेंटर टेबल लगानी है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सामने आप देखोगे फोक्स लीक का डिजाइन पूरा, ये हमारे लिविंग एरिया के पास भी कनेक्ट हो रहा है। प्लस हमारा जो किचन एल टाइप का शानदार किचन जो हमें मिल रहा है बड़े बड़े वार्डरोब्स के साथ में, कलर कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से रखा हुआ है। यहाँ पे आपकी चिमनी लग जाएगी, हल्की हल्की लाइटिंग आपको यहाँ मिलने वाली है। ये हमारा सिंक एरिया होगा, जहाँ पे इसके साथ में आप देखोगे हमारा फ्रिज का स्पेस निकल जाता है, चाहे आप उधर की तरफ रख सकते हो, वैसे सेपरेट आप देखोगे यहाँ हमने निकाला है, तो वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, जिस तरीके से रखना चाहते हो वो आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है। ड्रॉअर है काफी, आपके बर्तन रखने के लिए काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। तो ये किचन एरिया है, ठीक है। आशीर्वाद बनाए रखना क्योंकि भाई आप अब तक का सस्ता 2 BHK लेके आया है। अब इस किचन और लिविंग एरिया के बिल्कुल सामने आप देखोगे ये आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। ऊपर फॉल्सलिंग का डिजाइन, क्योंकि आज यहाँ पे आपको कुछ वॉलपेपर दिखाने के लिए है नहीं, फॉल्सलिंग का डिजाइन इस तरीके का है। लाइटिंग के साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्प्लिट AC का प्रोविजन, काफी बड़ा साइज आपके जो ये हॉल का बेडरूम का साइज है काफी बड़ा है। अब जब मैं अपने फर्स्ट बेडरूम से बाहर आता हूँ, लिविंग एरिया से होता हूँ, चलता हूँ, ये वाली वॉल हमेशा याद रखना, इस वाली वॉल पे हमने क्या लगाना है। सिक्योरिटी पर्पस पूरा इंटरकॉम की सुविधा आपको यहाँ मिलेगी। और अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम में, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। काफी अच्छा स्पेस हमें यहाँ मिल रहा है, फॉल्सलिंग का डिजाइन डिफरेंट, यूनिक और काफी स्मार्ट, अच्छी अच्छी लाइटिंग लगेंगी। और इसके साथ अटैच आपको यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। टाइलें देखो कितनी स्मार्ट लग रही है, काफी अच्छा। अभी आपको जो आपके सैनिटरी फिटिंग लगेगी वो भी आपको ब्रांडेड कर उसकी क्वालिटी की मिलेगी। अब यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी बालकनी, बालकनी का साइज देखेंगे आप, काफी बड़ा साइज होता है। टाइलर पूरा ऊपर तक हाइट तक लगा के आपको दे रखी है, वेंटिलेशन प्रॉपर है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे इतना बड़ा LED पैनल, जितने भी साइज का आपका LED है वो आप यहाँ प्लेस करोगे। ऊपर कुछ स्टोरेज टाइप डिस्प्ले के लिए दे रखी है ओपन। ये हमारा ये आ गया जो सेकंड बेडरूम था। अब इस सेकंड बेडरूम से वापस आप देखोगे वापसी की तरफ चलते हैं, बिल्कुल चाहो तो इधर ही खड़े होकर बात कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल किचन के सामने खड़े होकर आपसे बात कर लूं,
ठीक है, अगर आपको डिजाइन समझ आ गया है, नक्शा समझ आ गया है, तो इससे सस्ता फ्लैट आप मुझे हर बार कॉल करते हो, मेरी सभी बहनें, माताएं, भाई भी फोन करते हैं कि मुकेश भाई बजट हमारा अंडर 20 है 2 BHK के लिए, तो आज आपकी जरूरत सारी यहां पूरी हो रही है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास इस तरह के जो अंडर बजट वाले जो 20 या अंडर 10 वाले होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आपको जब समझ आ गया है तो आपने क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है, अपने विजिट जो है वो बुक करवानी है, और जल्दी से अपने जो आप रेंट के घर पे रह रहे हो ना, जल्दी से शिफ्ट करके अपने घर में आ जाओ, है ना। तो अपना अपना ही होता है, और जब जितना आपकी जो घर का रेंट जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत और पैसा मिला के अगर आप लोन करवा लेते हो तो वो EMI जो होती है वो जिंदगी भर आप जो रेंट दे रहे थे उसे कन्वर्ट करके आप अपना आशियाना खुद का बना सकते हो। तो फिर से मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के साथ, किसी एक नए फ्लैट के साथ या जड़ से मकान के साथ। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।